रांची विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों में 1.5 साल बाद रौनक लौटी है। कोरोना संक्रमण की वजह से कॉलेज बंद पड़े थे, अब ऑफलाइन मोड में कॉलेजों में पढ़ाई होगी, जहां विद्यार्थियों और शिक्षकों को कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा। रांची विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेजों और पीजी विभागों में रौनक लौटी है। दरअसल पिछले 1.5 वर्षों से कोरोना संक्रमण की वजह से ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे, अब ऑफलाइन क्लास शुरू हो गया है। कॉलेज परिसर में छात्र छात्राओं की उपस्थिति बढ़ने लगी है, लेकिन फिर भी अभी 40% के आसपास ही है। लगता था और कॉलेज डेली आना जाना होता था तो अच्छा लगता था, और कंटिन्यू पढ़ाई होता था तो भी अच्छा लगता था। अभी छूट गया है तो पता भी नहीं चलता था क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। ऑनलाइन में तो सारा सिस्टम पता नहीं चलता था, कभी कभी नेट कनेक्ट नहीं हो पाता था, जिसके कारण अच्छा से जानकारी नहीं मिल पाती थी। और कॉलेज में तो मैम लोग के साथ हम लोग डायरेक्ट फेस टू फेस पूछ लेते थे। अभी भी जैसे कि हम लोग को पता है कि कोविड कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुआ है, तो अभी सोशल डिस्टेंसिंग में रहना है और मास्क और सैनिटाइजर तो कैरी करना ही है हम लोग को। तो बस अपना प्रोटेक्शन के लिए जो जो हम लोगों के लिए चीज़ें हैं वो हम लोग को कैरी करना है। गौरतलब है कि राज्य सरकार से परमिशन मिलने के बाद सभी कॉलेजों में क्लास शुरू किए गए, लेकिन उपस्थिति अभी प्रबंधन की चिंता बढ़ा रही है। अब आज से शुरू हुआ है ऑफलाइन, हम लोगों ने नोटिफाई कर दिया है, तो आज से क्लासेस ऑफलाइन चलेंगे। लगभग 1.5 साल से भी ज़्यादा समय हो गया ऑफलाइन क्लासेस हुए। रांची विश्वविद्यालय के DSW डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने बताया कि अब कॉलेजों और पीजी विभागों में सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस ही होंगे। आज से जो क्लास शुरू हुआ उसके लिए मैंने सर्टिफिकेशन कराया है। गेट पे इंस्ट्रक्शन है कि जो बच्चे मास्क पहनेंगे वही बच्चे एंटर कर सकते हैं। फिर यहाँ क्लास में भी, क्योंकि अभी 100% बच्चे आए भी नहीं है, तो उनका सोशल डिस्टेंसिंग क्लास में थोड़ा डिस्टेंस पे बैठा रहे हैं। क्लासरूम पढ़ाई का महत्व अलग होता है, अब ऑफलाइन क्लासेस की शुरुआत हो गई है, तो ऐसे में विद्यार्थियों को कॉलेज आना अनिवार्य होगा। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन सुशील के साथ अंजनी की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।